स्ट्रेंजर थिंग्स। दोस्तों आपने इसे तो जरूर देखा होगा, जो एक पॉपुलर साइंस फिक्शन टेलीविजन सीरीज है। इसका थर्ड सीजन हमें पैरेलल यूनिवर्स और टाइम ट्रेवल की फैंटेसीज में ले जाता है। यूएस और रशिया में कोल्ड वॉर चल रहा होता है और हॉकिंस नेशनल लेबोरेटरी, जिसे यूएस की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बताया गया है, वहां के वैज्ञानिक रशियंस की जासूसी करने के लिए साइकिक एक्टिविटीज का सहारा लेते हैं। पर यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, जिस कारण से पैरेलल यूनिवर्स का एक पोर्टल खुल जाता है, जिसका नाम होता है अपसाइड डाउन। अब दोस्तों अपसाइड डाउन को हमारी दुनिया के एक डार्क वर्जन के रूप में दिखाया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पैरेलल यूनिवर्स का ये पोर्टल खुला कैसे? वेल, इसके पीछे का कारण था पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच। एक ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी हमें साल 2008 में सुनने को मिली थी, जब स्पेन की लेरिना गार्सिया दावा करती है कि वो पैरेलल यूनिवर्स से होकर आई है। अब दोस्तों एक सुबह जब वो उठती है तो लेरिना ने नोटिस किया कि उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। रात को वो जिस बेडशीट पर सोई थी, उन्होंने जो कपड़े पहने थे, वो बदल चुके हैं। रूम का सामान अपनी जगह पर नहीं था और घर में ऐसे ही काफी सारे चेंजेस हो चुके थे। अब वो रोज जहां अपनी कार को पार्क किया करती थी, वहां पर आज कोई कार पार्किंग था ही नहीं। उनके ऑफिस में जिस डिपार्टमेंट में वो सालों से काम किया करती थी, वहां पर उनका नाम ही नहीं था। यहाँ तक कि जिस बॉयफ्रेंड से वो ब्रेकअप कर चुकी थी, उसके साथ उनका रिलेशनशिप आज भी चल रहा था। अब देखो, लेरिना को अच्छे से याद था कि उनकी सिस्टर की शोल्डर की सर्जरी हुई थी, पर उनकी फैमिली के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या लेरिना गार्सिया एक पैरेलल यूनिवर्स ग्लिच में फंस गई थी? वेल, देखो, आइंस्टाइन की जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करते हैं, और जो ग्रेविटी के क्रिएशन की वजह भी बनता है। पर ये सिर्फ मैसिव ऑब्जेक्ट्स यानी कि मैटर तक ही लिमिटेड नहीं है। अब आइंस्टाइन के अनुसार एनर्जी भी ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है, मतलब कि एक बीम ऑफ लाइट अपनी एनर्जी से ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये आइंस्टाइन की जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर रोनल्ड मालेट ने कहा है। अब दोस्तों ये एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है, जो अपने टाइम ट्रैवल से जुड़ी रिसर्च के लिए जाते हैं। 10 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया था, जिसके कारण वो काफी दुखी रहा करते थे। अब अपने बचपन में एक बार उनके हाथ क्लासिक्स इलस्ट्रेटेड नाम की एक कॉमिक बुक लगती है, जो साल 1895 में H.G. वेल्स के द्वारा लिखी बुक द टाइम मशीन का एक कॉमिक वर्जन था। 11 साल के उस बच्चे के मन में आता है कि वो एक दिन टाइम मशीन बनाएगा और अपने पिता से मिलने पास्ट में जाएगा। आज रोनल्ड मैलेट की उम्र 78 साल हो चुकी है, पर वो आज भी टाइम मशीन बनाने में लगे हुए हैं। अब उनके अनुसार ये टेक्नोलॉजी रिंग लेजर की प्रॉपर्टीज और आइंस्टाइन की जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड होगी। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में गिने जाते हैं, और उनकी थियोरीज ने मॉडर्न फिजिक्स का रुख पलट कर रख दिया था। अब उनकी इक्वेशंस ने भले ही आपका दिमाग हिला कर रख दिया होगा, पर आइंस्टाइन के लाइफ के इक्वेशन को समझा मैंने कुकू एफएम के इस ऑडियो बुक एल्बर्ट आइंस्टाइन में। करीब 900,000 लोगों ने इसे सुना है, और 116 मिनट लंबी ये ऑडियो बुक आइंस्टाइन के बारे में इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देती है। और इसी के साथ दोस्तों मैं फिलहाल सुन रहा हूँ ये ऑडियो बुक ओपेनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इन हिंदी, एंड बिलीव मी गाइस, ये बुक आपको जरूर सुननी चाहिए। कुकू एफएम भारत का सबसे बड़ा ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। अब देखो, मैं पिछले 1.5 से 2 साल से इसे यूज कर रहा हूँ, और इस पर मौजूद ग्रोवर की बुक दोगलापन, इसी के साथ फ्री टू फोकस जैसे और भी बहुत सारे बुक्स को सुन चुका हूँ। एंड लिटरली इस प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है, और मुझे नॉलेजेबल और प्रोडक्टिव बनाया है। और मेरी ही तरह 15,00,000 प्लस हिंदी पेड सब्सक्राइबर्स कुकू एफएम के 4,200 प्लस आर के कंटेंट को यूज कर रहे हैं। साल 2023 में अभी तक 45,00,000 आवर्स का कंटेंट प्ले हो चुका है, मतलब 1.5 लाख आवर्स डेली। अब सिर्फ 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन पर आपको भी मिलता है हजारों बुक्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट की लाइब्रेरी अपने फोन पर। और केवल इतना ही नहीं, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हो और मेरा कूपन कोड ATV30 यूज करते हो, तो आपको 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा पहले मंथ के सब्सक्रिप्शन पर, यानी कि 99 की जगह केवल 69 रुपीज। तो सोच कर रहे हो, अभी डाउनलोड करो कुकू एफएम, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब दोस्तों रिंग लेजर 2 बीम ऑफ लाइट से बनी हुई होती है, जिनका पोलराइजेशन सेम होता है।
लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई क्लोज्ड लूप बना रही होती है। अब जब एक अनडायरेक्शनल रिंग लेजर में एक स्पिनिंग न्यूट्रल पार्टिकल को रखा जाएगा तो उस लेजर की एनर्जी से प्रोड्यूस हुई ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण वो पार्टिकल रिंग के अराउंड ड्रैग हो जाएगा। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर लेजर की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है तो ये स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड्स को प्रोड्यूस कर पाएगी और पार्टिकल्स को सिर्फ ड्रैग नहीं करेगी बल्कि उसे CTC यानी कि क्लोज टाइम लाइक कर्व्स में ले जाएगी। अब दोस्तों आपने मिंकोव्स्की स्पेस का नाम तो जरूर सुना होगा। अब फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट इनर्शियल फ्रेम के स्पेस और टाइम को नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम ऑफ स्पेस एंड टाइम के साथ कंबाइन करता है और रोनल्ड मैलेट के थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंट में यही पर लाइट कोन का फॉर्मेशन होता है जो टाइम ट्रेवल का सबूत है। अब दोस्तों इसे सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो यहां ऐसी कंडीशंस बनती है जैसे रिंग लेजर ने स्पेस टाइम को ट्विस्ट कर दिया हो और हमारा पार्टिकल प्रेजेंट से पास्ट में चला गया हो, पर अगर वो पास्ट में चला जाता है तो फ्यूचर में वो वापस कैसे आएगा। अब देखो हालांकि रोनल्ड मैलेट का ये कॉन्सेप्ट प्योरली थियोरेटिकल था और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, और इससे भी बड़ा सवाल तो ये था कि मान लेते हैं कि वो फ्यूचर में वापस आ भी जाते हैं तो अगर पास्ट में उन्होंने कुछ चेंजेस किए होंगे तो फ्यूचर में उसका क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब हमारे इस दूसरे वाले सवाल का जवाब छिपा है हाइजेनबर्ग इफेक्ट में। अब दोस्तों इस इफेक्ट का नाम सर वर्नर हाइजेनबर्ग के नाम पर रखा गया है जिन्होंने फेमस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को दिया था। दोस्तों हाइजेनबर्ग इफेक्ट हमें ये बताते हैं कि टाइम ट्रेवल बेसिकली यूनिवर्स में आए ग्लिचेस होते हैं। अब देखो चाहे ये खुद आ जाए या फिर हम इंसान इन्हें आर्टिफिशियली क्रिएट करें, पर जिस तरह हमारे सारे घाव समय के साथ साथ भर जाते हैं वैसे ही यूनिवर्स इन ग्लिचेस को भी ठीक कर देता है और रियलिटी को कंटेमिनेट कर देता है। मतलब बिल्कुल सिंपल शब्दों में बोलूं तो आप पास्ट में जा तो सकते हो लेकिन अगर आप वहां कुछ चेंजेस करते हो ना तो यूनिवर्स उसे अपने आप डिस्ट्रॉय कर देता है और इसका इफेक्ट फ्यूचर में देखने को नहीं मिलता। पर यार सवाल तो फिर भी वही आकर ठहर जाता है कि क्या टाइम ट्रेवल रियलिटी में पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कैसे। वेल ये कैसे पॉसिबल है इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसे सबूत देखने को मिलते हैं जो टाइम ट्रेवल की ओर इशारा करते हैं। अब जैसे कि दोस्तों जरा इस फोटो को देखिए, यह नवंबर 1941 में ली गई थी जब ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फोर्क ब्रिज की रीओपनिंग के समय यहाँ भीड़ लगी हुई थी। अब यहाँ ज्यादातर लोग आपको कोट पहने हुए दिखाई दे रहे होंगे जो कि उस समय का नॉर्मल कपड़ा था, पर यार इन्हीं के बीच खड़े इस बंदे को जरा गौर से देखिए जो टी शर्ट और सनग्लासेस पहने हुए है, और अब जरा उस कैमरे पर जूम करते हैं जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये काफी कॉम्पैक्ट और मॉडर्न लग रहा है जो उस जमाने की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ज्यादा ही एडवांस्ड है, राइट। साल 2008 में जब चाइना के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने मिंग डायनेस्टी की एक सील्ड टोम्ब को खोला तो उन्हें वहां से एक गोल्ड की रिंग मिली जिस पर वॉच फेस बना हुआ था। अब इस बार गौर से देखने पर इंग्लिश में स्विट्जरलैंड भी लिखा हुआ था। अब देखो प्रॉब्लम यह है ना कि जिस टॉम्ब में ये स्विस वॉच मिली है वो 400 से ज्यादा साल पुरानी है। अब उस समय चाइना में वो मटेरियल्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे जिनसे वो वॉच बनाई जा सके, और उस समय के स्विट्जरलैंड में भी रिंग या वॉच पर मेड इन स्विट्जरलैंड का ठप्पा लगाने का ट्रेडिशन भी नहीं था। अब टाइम ट्रैवल की थियोरी पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि मिंग डायनेस्टी में कोई टाइम ट्रैवलर आया होगा जिसने अपनी वो रिंग कम वॉच यहाँ पर गिरा दी होगी। अप्रैल 2016 में मंगोलिया के एल्टाई माउंटेन्स में एक 1100 साल पुरानी ममी मिली थी जो कि एक औरत की थी। नाउ इंटरेस्टिंगली उस औरत ने जो शूज पहने हुए थे ना उनके डिजाइंस हूबहू एडिडास ट्रेनर शूज जैसी थी। अब वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया कि उन शूज की स्टिचिंग क्वालिटी बहुत ज्यादा सुपीरियर थी जो उस समय के हिसाब से काफी बड़ी बात कही जा सकती है। साथ ही साथ उस औरत के पास एक हैंडबैग भी था जो काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा था। तो क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कोई टाइम ट्रैवलर अपनी टाइम मशीन में बैठकर प्राचीन मंगोलिया में गया हो और उसी ने उस औरत को ये चीज गिफ्ट कर दी हो। वेल अब इसे फैक्चुअली प्रूफ कर पाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन टाइम मशीन ही टाइम ट्रैवल करने का एकमात्र जरिया नहीं होता है। जी हाँ आपने सही सुना,
दरअसल टाइम स्लिप के जरिए भी लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और इसे कई मूवीज में बखूबी दिखाया भी गया है, जैसे कि साल 2014 में आई साईफाई मूवी एज ऑफ टुमारो में प्रोटैगनिस्ट विलियम केज, जिनका रोल टॉम क्रूज ने प्ले किया था, वो एक सोल्जर होते हैं जो एलियंस के अगेंस्ट वॉर लड़ते हैं और एक ही दिन को बार बार रीलिव करते हैं। अब इससे वो एलियंस को हराने के लिए जरूरी स्किल्स को गेन कर लेते हैं और अल्टीमेटली एलियंस को डिफीट करके टाइम लूप को तोड़ देते हैं। अब साल 2009 में आई मूवी द टाइम ट्रैवलर्स वाइफ में एरिक बाना एक लाइब्रेरियन का रोल प्ले करते हैं, जिन्हें एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके कारण वो अनकंट्रोलेबली टाइम स्लिप से गुजरते हुए समय यात्रा करते रहते हैं। अब ऐसे ही एक इंसिडेंट के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेते हैं। मतलब क्रिएटिविटी देख रहे हो, यहाँ लोगों को सरकारी नौकरी के बिना लड़की नहीं मिल पा रही है और भाई टाइम ट्रैवल करके बंदी ढूंढ रहा है। जिंदगी हो तो ऐसी हो। दोस्तों आखिर में बात करते हैं द घोस्ट ऑफ पेटी ट्रायनन की। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो 10 अगस्त 1901 को एलियानोर जॉर्डेन और शैलट एनी मोबर्ली के साथ हुआ था। अब इस दिन वो दोनों पेरिस की ट्रिप पर निकली हुई थी, जिस दौरान वो पैलेस ऑफ वर्साइलिस भी जाती है जो एक समय फ्रांस की रॉयल फैमिली का रेसिडेंस हुआ करता था। जॉर्डेन और मोबर्ली के माने तो जब वो यहाँ के गार्डन्स ऑफ द पेटी ट्रायनन से गुजर रही होती है तभी वो एक गलत टर्न ले लेती है और रास्ता भटक जाती है। उसके बाद उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो पुराने जमाने की ड्रेसेस पहने हुए थे। वहाँ 18th और 19th सेंचुरी का म्यूजिक बज रहा था और उन दोनों के अनुसार उन्होंने रानी का मुकुट पहने एक खूबसूरत औरत को भी देखा था जो भीड़ के बीच वहाँ पर बैठी हुई थी। अब जब जॉर्डन और मोबर्ली के दिए हुए डिस्क्रिप्शन को 18th सेंचुरी के आर्टिस्ट एडोल्फ यूरिक वेटम्यूलर की पेंटिंग से मिलाया गया तो ये पता चला कि उन्होंने जिस औरत को देखने का दावा किया था वो और कोई नहीं बल्कि मैरी एंटोइनेट थी, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले फ्रांस की आखिरी रानी हुआ करती थी। पर साल 1901 में मैरी एंटोइनेट कहां से आई, क्योंकि उनकी मौत तो साल 1793 में ही हो गई थी। जब जॉर्डन और मोबर्ली मैरी एंटोइनेट के रूम को विजिट करती है तब भी उन्हें सेम एक्सपीरियंसेस देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों इसे आप रियल में टाइम स्लिप कहोगे या फिर ये सिर्फ एक होक्स है, आपकी इस पर क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आप में से कभी किसी ने टाइम स्लिप को एक्सपीरियंस किया है? अब अगर किया है तो अपनी कहानी नीचे कमेंट में जरूर लिखना। तो दोस्तों जाने से पहले कूको एफ ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, यूज करना मेरा प्रोमो कोड ATV30 और 30% डिस्काउंट ऑन द फर्स्ट मंथ, तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।